नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। विराटनगर में आज आसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ एंड चंद्रशेखर आजाद व आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद प्रत्याशी रामचंद्र सराधना के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। यहाँ से दावेदारी के लिए हमारे पास आए और उनके बारे में मैंने जाना। जब मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूं तो आपको शायद पता होगा कि मेरे पिताजी भी अध्यापक थे और आप भी इस क्षेत्र में गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, आप भी अध्यापक रहे। मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए, मेरे पिताजी ने मुझे विचार दिए और बिल्कुल वैसे ही सिद्धांत जो कि आजकल बहुत कम नजर आते हैं, अगर वैसे ही सिद्धांत किसी में मुझे देखने को मिले आज की राजनीति में, तो उनमें से एक व्यक्ति जो है रामचंद्र सराधना जी, मैं उनको ना नहीं कर पाया। मैंने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जब ये आए थे तो मुझे लग रहा था कि इनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है, उम्र 70 साल के करीब हो रही है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने इनका काम देखा, आपके दिलों में इनका प्यार सम्मान देखा, तो मुझे विश्वास हुआ कि इन्होंने इस क्षेत्र की लंबे समय तक सेवा की है, इन्होंने इस क्षेत्र में लंबे समय तक सेवा दी है। इसलिए मुझे विश्वास है कि विराटनगर में आपका प्रत्याशी 20,000 मतों से अभी चुनाव जीत रहा है। ये यहाँ के एलआईयू की रिपोर्ट है। मेरे प्यारे साथियों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता और विशेषकर नमन करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह जी को भी इस ऐतिहासिक धरती से मैं नमन करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश में जन्मा हूं, लेकिन आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी राजस्थान में आपने मुझसे उम्मीद की हो, मैंने कभी राजस्थान में अपने भाइयों को निराश नहीं किया। जहां उन्होंने पसीना देने का काम किया, मैंने तन मन धन से जान लुटाने का काम वहां किया। मैं किसी मंत्री मुख्यमंत्री का बेटा भतीजा नहीं हूं और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे इस बात की खुशी है कि आज अगर मैंने ये प्यार कमाया है तो ये मैंने संघर्ष से कमाया है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से कमाया है, माननीय काशीराम साहब के विचार से कमाया है, सर छोटू राम के विचार से कमाया है। आप जानते हैं मैंने इस लड़ाई की शुरुआत में अपने पिता को खोने के बाद खूब तरह के अपमान और अन्याय सहे, अपने लोगों की आवाज उठाने के कारण मुझे 16 महीने जेल रखा गया। जेल में भी एक 10x6 की, उसको तनाई कहते हैं, चक्की, जयपुर में तो वो नहीं है, मैंने जयपुर की जेल भी देखी। जब सीएचए के भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए आया था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे 4 दिन जयपुर की जेल भी दिखाई थी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब उन्होंने मुझे जेल दिखाई तो मेरा विश्वास और अटूट हो गया कि मैं आने वाले समय में अपने साथियों के साथ इतनी मेहनत करूंगा कि किसी निर्दोष को इस जेल में ना रहना पड़े। जब मैं 16 महीने की जेल